आज हम बनाएंगे लौकी की पकौड़ी। तो इसके लिए हम एक लौकी ले लेंगे, इसे छील लेंगे। छीलने के बाद हम इसे कद्दूकस कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसे कद्दूकस कर लिया और अब हम इसे निचोड़ कर इसका पानी निकाल लेंगे। अच्छी तरह से निचोड़ते हुए मैंने इसमें से पानी निकाल लिया है और अब हम इसमें डालेंगे एक कटोरी बेसन, स्वाद अनुसार नमक, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और सबको आपस में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और अब हम कढ़ाई में तेल गरम करेंगे। तो तेल गरम हो चुका है, अब हम इसके छोटे छोटे बॉल बनाकर और इस तेल में तलने के लिए हम इसे डाल देंगे। तो ये देखिए कितना अच्छा इसका कलर आया है, बिल्कुल अच्छी तरह से ये फ्राई हो चुका है। आप इसे सॉस के साथ या किसी तीखी चटनी के साथ खा सकते हैं और कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा।